जब से एनडीए की सरकार बनी तब से एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी की देश में सभी राज्य में सभी वर्ग में बहुत सराहना हो रही है। कोविड के दरमियान भी एजुकेशन रुके नहीं, इसलिए कई इनिशिएटिव लिए गए। दीक्षा पोर्टल के माध्यम से वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई भी बुक QR कोड के आधार पर आप स्टडी कर सकते हो। दूसरा, स्वयं प्रभा TV चैनल वन नेशन वन चैनल ये एजुकेशन सेक्टर में लाया गया ताकि 1 से 12वीं कक्षा तक के सभी स्टूडेंट को TV चैनल के माध्यम से एजुकेशन मिले। आपने देखा होगा स्वच्छता अभियान के तहत देश में खास करके बेटियों में ड्रॉप आउट रेशियो कम हो, इसलिए टॉयलेट ने जो भूमिका बनाई वो बहुत महत्वपूर्ण है। 2.5 लाख से अधिक देश में स्कूल में 4.5 लाख से अधिक टॉयलेट बनाया गया, उसका नतीजा ये निकला कि बेटियों में ड्रॉप आउट रेशियो था वो 70% से कम होके 13% हुआ और कम हो रहा है। आपने मेडिकल एजुकेशन में भी देखा होगा जब मोदी गवर्नमेंट आने के बाद देश के बच्चों को विदेश में पढ़ने जाने की नौबत ना आई, इसलिए और देश में डॉक्टर की जरूरत पूरी हो इसलिए एक अभियान चलाया गया। 2014 में केवल 53,000 सीट MBBS की थी, 53,000 सीट MBBS की थी, वो आज 96,000 हो चुकी है, यानी कि 87% की बढ़ोतरी हुई केवल 8 साल। वैसा ही PG सीट में भी वैसी ही बढ़ोतरी हुई है। जब 2014 में मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो देश में 31,000 PG सीट थी, आज वो बढ़ के 63,000